तो ये आपके पूरी पूरी सेविंग है $1120 की, जो आप इन फ्यूचर यूज कर सकते हो अपनी फीस भरने में, जब आपको कुछ भी करना है उसकी तरफ। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है इस नए वीडियो में। तो मैंने ना कुछ चेंजेस किए हैं कि हम इसको वीडियो नहीं बोलेंगे, इस मतलब ऐसी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज होती है उनको बोला करेंगे ज्ञान की बात। तो थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है। अब मैं हर वीडियो को वीडियो बोलता हूँ कि वीडियो ब्लॉग को भी वीडियो, और जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं इनको भी वीडियो बोलता हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा अलग अलग रखना है दोनों चीज़ों को। तो इनको बोला करेंगे ज्ञान की बात, ठीक है? तो दोबारा से शुरू करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है इस नए ज्ञान की बात वीडियो में। ये एपिसोड नंबर 1 होने वाला है। मतलब पहले भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हैं, जाके देख सकते हो, पर जो बेसिक है, मतलब जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ज्ञान की बात ये एपिसोड्स को, ये पहला एपिसोड है जिसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाने वाले हैं आज, जो मेरा भी डाउट था और मैंने बहुत लोगों को देखा कमेंट सेक्शन में कि भाई आप पार्ट टाइम करके मंथली एक्सपेंस निकालने के बाद कुछ सेव कर पाते हो, और जो आपके मंथली एक्सपेंसेस होते हैं उसमें आप क्या क्या खर्च करते हो, ठीक है? तो भाई बहुत बेसिक बेसिक रखेंगे। बेसिक क्या मतलब, मैं सब कुछ बताऊंगा। अब मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो मैं बोलूंगा उसमें आप अपनी डिटेल में जा सकते हो, जो भी आपको खर्च करना है। किसी को मतलब किसी को सिगरेट पीने की आदत है वो उसमें जा सकता है, बियर या घर के कुछ खर्चे आ जाते हैं, कभी कुछ खराब हो गया या आपको कुछ एक्स्ट्रा खरीदना है, ठीक है? तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो भाई जैसे ही हम मंथली एक्सपेंसेस की बात करते हैं कि आप एक महीने में कितने पैसे खर्च करते हैं, सबसे पहले आ जाता है आपका रेंट का टॉपिक, ठीक है? आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ का। अब उसमें दो चीज़ें आती हैं, आप एक तो पर्सनल रूम पर रह रहे हो या आप शेयरिंग में रह रहे हो। अगर आपका पर्सनल रूम है तो आपका रेंट ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा ज़्यादा होगा, और शेयरिंग में रह रहे हो तो थोड़ा कम होगा। शेयरिंग में आपको 300 से 400 के बीच में आपको आराम से रूम मिल जाएगा बिना किसी दिक्कत के। बट अगर आप पर्सनल रूम ढूंढ रहे हो तो आपको वहीं 600-650 के आसपास पे करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा क्योंकि यार पर्सनल है, उसी रूम के अंदर दो लोग रहेंगे तो उसका हाफ कर लो, और आप अकेले रहोगे तो एक्सपेंसिव पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरा जो बड़ा खर्चा आ जाता है वो आ जाता है आपका ट्रांसपोर्ट का। अगर आप यहाँ पे टोरंटो में रहते हैं तो आपको TTC का मंथली पास मिल जाता है, जो $127 का होता है, जो आप प्रेस्टो में रिचार्ज करा सकते हैं पूरे महीने। फिर कहीं भी घूमो, मतलब डाउनटाउन के अंदर TTC सर्विस में, आपको वहाँ कोई चार्ज नहीं देना, सिर्फ 127 का मंथली पास होता है, वो आप डलवा सकते हैं। अब बहुत लोगों का डाउट रहता है कि भाई अगर हम TTC का पास डलवाते हैं और माई वे में जाते हैं तो पैसे कटेंगे? हाँ भाई, बिल्कुल कटेंगे, क्योंकि वो मिसिसागा ट्रांजिट है और आप जो अपना रिचार्ज कराओगे वो TTC पास का कराओगे, तो उसमें आपको बैलेंस रखना पड़ेगा कार्ड में, क्योंकि वो कट जाता है। क्योंकि कुछ लोग जैसे ब्रैम्पटन से कोई टोरंटो डाउनटाउन में आके शिफ्ट उठाता है तो उसको एक्स्ट्रा चार्ज, मतलब एक्स्ट्रा पे करना ही पड़ेगा। बट जैसे ही वो टोरंटो में एंटर कर जाएगा उसको सबवे वगैरह के लिए कोई चार्ज नहीं कटेगा, क्योंकि उसने उसके लिए पास डलवा रखा है। तो जो आपका प्रेस्टो का मंथली का पास आता है वो आता है $127 का, जो आपको 1 तारीख को रिचार्ज कराना पड़ेगा और वो अगली 1 तक चलेगा। तीसरा खर्चा आ जाता है आपका ग्रॉसरी का, खाने पीने का, जो आप खाते हैं वगैरह। मैं ग्रॉसरी में बात कर रहा हूँ जो हम खाना खरीद के लेके आते हैं, मतलब रॉ वेजिटेबल्स लेके आते हैं और उसको बनाते हैं। एज़ कम्पेयर टू पहले थोड़ी सस्ती थी ग्रॉसरी, बट अभी थोड़ी महंगी हो गई है। अब पता नहीं इन्फ्लेशन के चक्कर में या किसके चक्कर में, बट हाँ, ग्रॉसरी अब महंगी है। मैंने कल परसों ही एक वीडियो डाला है ग्रॉसरी के ऊपर, $242 खर्च हुए थे, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ग्रॉसरी में 150 से 250 के बीच में, 250 ज़्यादा बोल रहा हूँ, 150 से लेके 170 के बीच में रखना चाहूँगा एक बंदे का मंथली का। उसमें वो आराम से जो भी उसे लाना है ग्रॉसरी में वो ला सकता है, और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। जैसे आप दूध भी 2-3 बार ले आते हो, अंडे ले आते हो 2-3 बार, अंडे नहीं लाते तो पनीर ले आते होगे, कुछ भी ले आते हो, कुरकुरे चिप्स अगड़म झगड़म, तो 150 से 170 के बीच में बहुत आराम से आपकी ग्रॉसरी हो जाएगी। और मैं ये बहुत अच्छे लेवल वाली ग्रॉसरी कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल मिनिमम कि एक पैकेट चिप्स लिया, एक बहुत अच्छे लेवल वाली मीडियम से थोड़ी सी ऊपर वाली ग्रॉसरी बता रहा हूँ। 150 से 170 के बीच में बहुत आराम से और बहुत अच्छी ग्रॉसरी कर सकते हो आप लोग। इसके बाद आ जाता है हमारा सिम का खर्चा, जो हम अपने सिम कार्ड यूज़ करते हैं रिचार्ज वगैरह। अब वो आप पर डिपेंड करता है, $40 के आसपास का आपको प्लान मिल जाएगा जिसमें आपको 15 GB के आसपास डेटा मिलेगा, आप जिसे यूज़ कर सकते हैं। बट अलग अलग प्रोवाइडर्स पे, मतलब डेटा प्रोवाइडर्स पे अलग अलग टाइप्स ऑफ प्लान्स होते हैं, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। जैसे आपको जो भी लेना है, फाइडो, रॉजर्स, वर्जिन, जो भी आपको सिम कार्ड पसंद आए आप उनका प्लान उठा सकते हैं, तो आपको उस हिसाब से वो वेरी करने को मिल जाएगा। तो आपको उसमें ऊपर नीचे आप देख सकते हैं $30-40 तक वो आपको पड़ जाएगा। इन केस अगर आप उनके आपके सर्विस प्रोवाइडर से फ़ोन भी लेते हैं
तो अगर आपको $40 का प्लान है और आपने फ़ोन भी ले लिया $30 का, तो वो $70 पर मंथ पड़ेगा। तो आप उसको भी एडजस्ट कर सक मतलब उसको कैलकुलेट कर लेना। मैं आपके लिए $75 लेके चलता हूँ एक एवरेज प्राइस, ठीक है, अभी आपका सिम का और फ़ोन का, क्योंकि यूजुअली फ़ोन ले लेते हैं लोग यहाँ पे आके, तो सिम का और फ़ोन का मिला के $75, ठीक है। सिम कार्ड के बाद बात करते हैं, अगर आप जैसे अपने दोस्तों के साथ थोड़े महीने में यार एक बार या दो बार तो इंसान बाहर चला जाता है, 30 दिन में अगर दो बार बाहर चला गया खाने, उसने अगर पिज़्ज़ा ही खा लिया या कहीं महंगी जगह चला गया और शेयरिंग में $30 एक बार का भी मानूँ मैं कि एक बार का $30 आ गया खर्चा, तो आपका $60 मैं आउटिंग का लगा के चलता हूँ हमेशा, क्योंकि यार बाहर कंट्री में आए हो कुछ तो खर्च करोगे ना। अब मैं आपको वो बोलूँ कि बिल्कुल कुछ मत करना, आप $30 एक बार बाहर चले गए तो आराम से खर्च हो जाएंगे, ये हमेशा याद रखना। और महीने में दो बार जाना इतनी बड़ी डील नहीं है, और अगर आप दोस्तों के साथ रह रहे हो तो आप पक्का चले जाओगे, मैं खुद चला जाता हूँ कि हाँ चल इतना हो जाता है, तो मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो $60 मैंने आउटिंग का लगाया है, तो इसको भी प्लस कर लेना, $60 आउटिंग का, और उसके बाद $60 लगाया है मैंने मिसलेनियस चार्जेस, मतलब मिसलेनियस एक्सपेंसेस सॉरी। अब मिसलेनियस में मैंने क्या काउंट किया है, जैसे अगर हम रोज़ शिफ्ट पे जा रहे हैं, हमने एक टिम ले ली $3-4, उसके साथ भूख भी लग रही है तो हमने एक बेगल ले लिया, एक कुकी ले ली, एक सैंडविच ले लिया, वो मतलब ए टू जेड मिला के मैंने पूरे महीने का $60 रखा है मिसलेनियस एक्सपेंसेस में, कि आपने कभी कॉफ़ी ले ली, कभी स्टारबक्स चले गए, कभी किसी मॉल में हो तो वहाँ कुछ ले लिया, हाँ ये आउटिंग में आता है मॉल वगैरह, बट मिसलेनियस एक्सपेंसेस में मैं एक वाईफाई भी जोड़ना चाहूँगा, आप जिस घर में रह रहे हो वहाँ पे रेंट में इंक्लूड होता है बहुत जगह, पर बहुत जगह नहीं होता है, जैसे मेरा इंक्लूड नहीं है रेंट के अंदर, तो मैं उसे मिसलेनियस में लिखता हूँ कि जो मेरे वाईफाई का एक्सपेंस है। अगर आप अकेले रह रहे हो कहीं पर तो आपको वाईफाई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वाईफाई यहाँ पर बहुत महंगे हैं, $120-125 के आसपास का मंथली का चार्ज होता है, तो आप उसको अवॉइड करना ही चाहोगे एज अ स्टूडेंट। अगर आप शेयरिंग में हो, आपके और भी ऐसे जो रूममेट्स हैं वो कह रहे हैं कि वाईफाई ले लेते हैं, तब आपको शेयरिंग में उससे मैं मिसलेनियस में डालता हूँ। $35 के आसपास मेरा मंथली का आता है वाईफाई का भी, तो मैं उसको और टिम वगैरह को मिला के कोशिश करता हूँ कि $60 तक ही खर्च करूँ, और उसके अंदर ही रहता हूँ, यूजुअली मैं ज़्यादा खर्च नहीं करता, मैं कॉफ़ी भी नहीं पसंद। तो भाई ये सब प्लस करने के बाद जो मैंने एक एवरेज निकाला है खर्चों का, ये आपको पता चल गया होगा। अब डिपेंड करेगा कि आप पर्सनल रूम ले रहे हो कि शेयरिंग में रह रहे हो, सिम कौन सा ले रहे हो, फ़ोन ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, तो आप उस हिसाब से प्लस करते रहना अपनी चीज़ों को, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। अब भाई अब इसके बाद आ जाते हैं कि भाई आप सेविंग कहाँ करते हो, अगर आप इतना ही खर्चा करते हो $60 आउटिंग, $100 मिसलेनियस, तो भाई मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने भी यही एक्सपेंसेस किए हैं और मैंने भी अपनी फ़ीस बचाई है। अब वो कैसे, ठीक है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैंने फ़ीस वो कैसे बचाई वो मैं आपको अभी बताता हूँ। मैंने एक स्टूडेंट लाइफ का बता दिया है आपको, अब आप मेरा सुनना जो मैं अपने एक्सपेंसेस करता हूँ, ठीक है। 450 मेरा शेयरिंग का रेंट है इटोबिको में, मेरा मंथली रेंट है 450। जो हमारे प्रेस्टो का रिचार्ज होता है, मैं उसका रिचार्ज नहीं कराता $127 का मेरा, क्योंकि मैं कभी कभी ही जाता हूँ, मैं 20 आवर्स काम करता हूँ, तो मेरे को इतने पास की ज़रूरत नहीं पड़ती आने जाने में, तो मैं उसका रिचार्ज नहीं कराता, और $80 के आसपास है मेरा मंथ का हो जाता है उसमें, तो मैं वहाँ पे $47 बचा लेता हूँ ऐसे करके। उसके बाद आ जाते हैं हमारे सिम कार्ड के ऊपर, मैं वहाँ थोड़े ज़्यादा खर्च करता हूँ, मेरा $65 का है, उसमें मेरे को 40 GB ऑफ नहीं उसमें मेरे को 35 GB ऑफ नेट मिलता है, और मैंने फ़ोन भी ले रखा है, पर फ़ोन मैंने किसी प्लान प्रोवाइडर से नहीं लिया है, मैंने वो सीधा एप्पल स्टोर से लिया था, क्योंकि मेरे को किसी भी एक मतलब एक सर्विस प्रोवाइडर के साथ अटैच नहीं होना था, क्योंकि उनकी डिमांड होती है कि आप अगर उनसे फ़ोन ले रहे हो तो 2 साल तक आपको उनका ही नेटवर्क चलाना पड़ेगा। मेरे को वो मंजूर नहीं था कि यार कल को मेरे को मेरा फ़ोन चेंज करना हो, या मेरे को सर्विस प्रोवाइडर चेंज करना हो कि मेरे को कहीं और अच्छा नेटवर्क मिल रहा है, तो मैं उनके साथ बन जाता, तो इसलिए मैंने फ़ोन एप्पल से लिया है जो कि $65 का है, और टोटल मिला के मेरा 120 के आसपास मंथली एक्सपेंस आता है मेरे फ़ोन का और मेरे सिम कार्ड का जो मैं देता हूँ। उसके बाद आ जाते हैं ग्रॉसरी पे, मेरी ग्रॉसरी अराउंड 150-160 होती है, जिसमें मैं पूरा कैलकुलेट करता हूँ कि एक बार हम ग्रॉसरी ले आए, उसके बाद अगर हम 5-6 दिन बाद दोबारा दूध अंडे ब्रेड लेके आ रहे हैं, मैं पूरा कैलकुलेट करके 150-160 के बीच में रहता हूँ, ये मेरा एवरेज है पिछले 1 साल का, मैं इसके ही बीच में रहता हूँ, कभी भी 170 से ऊपर नहीं गया है, बल्कि 160 तक ही रहता है, और 140 से कम कभी आया नहीं, तो मैं उसी के बीच में हमेशा वेरी करता रहता हूँ 140-160, तो ग्रॉसरी मेरी इतने की होती है। अब बाकी रही बात आउटिंग की, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मैं दो बार तो चला ही जाता हूँ, और एक बार जाने के $30 लगते हैं, तो $60 वो भी मेरे खर्च हो जाते हैं हर बार।
ठीक है, तो और जाना भी चाहिए, ठीक है, चुपचाप बता रहा हूँ, पर जाना चाहिए भाई, घूमने विदेश आए हो घूमने जाओ। उसके बाद आते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस पे, उसमें मैंने $60 ही लिख रखा है अपना भी, और मैंने आपको भी 60 बताया होगा कि आप भी उतने ही खर्च करते होगे। $60 यार मेरा उस हिसाब से कि मेरा उसमें वाईफाई का बिल भी आ जाता है, और मैं कॉफ़ी वगैरह थोड़ी बहुत पी लेता हूँ, कभी भूख लग रही है तो कुछ खा भी लिया बाहर से। अगर आप शिफ्ट पे गए और रास्ते में कुछ खा लिया तो वो आउटिंग नहीं है, ठीक है, तो वो मिसलेनियस में आ जाएगा कि वो एक्स्ट्रा खर्चा है, तो वहाँ पे भी खर्चा हो जाता है। तो मेरे इतना सब कुछ खर्च करने के बाद मेरे मंथली एक्सपेंसेस होते हैं $930 के, अगर आप प्लस करोगे सब कुछ तो 930, और मैं इसी के आसपास ही रहता हूँ, 930 950, इन दोनों के बीच में रहता हूँ हमेशा, क्योंकि मेरे इतने एक्सपेंसेस हैं जो ये फिक्स हैं, इतने मैं कर ही देता हूँ। मिसलिनियस ऊपर नीचे हो जाते हैं यूजुअली, ज़्यादातर वो नीचे ही रहते हैं, ऊपर अभी तक नहीं गए हैं 60 से, तो मैंने 60 तक ही लिख रखा है उसे मैक्सिमम। तो उसके बाद $930 का मेरा एक्सपेंस होता है एक महीने का। तो मैं जो जॉब करता हूँ सिक्योरिटी की, वहाँ से मैं मंथली 1400 के आसपास अर्न कर लेता हूँ 20 आवर्स काम करके, तो मेरी पर आर के वेज थोड़ी ज़्यादा है सिक्योरिटी में, तो उस हिसाब से मैं 1400 अर्न कर लेता हूँ। तो 1400 मेरी इनकम हो गई और 930 मेरे एक्सपेंसेस हो गए, तो मैंने $470 बीच में सेव कर लिए, ठीक है, ये मेरे एक्सपेंसेस और मेरी इनकम के बीच की सेविंग हो गई जो मैंने सेव कर लिया। अब स्टूडेंट जो इनिशियली आते हैं वही मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं उनको एक चीज़ बता दूँ कि जो आपकी GIC का अमाउंट होता है वो आपने पूरा सेव कर लिया है, ठीक है, इसमें पूरा A to Z सेव कर लिया है। तो भाई GIC के जो पूरा अमाउंट बचाया है आपने 650, और जो आपकी सेविंग्स है 470 डॉलर्स की, आप उन दोनों को अगर प्लस कर दो वो होता है $1120, ठीक है, तो ये आपकी पूरी पूरी सेविंग है $1120 की, जो आप इन फ्यूचर यूज़ कर सकते हो अपनी फीस भरने में, जो आपको कुछ भी करना है उसकी तरफ। तो आप मंथली अगर भी 20 आवर्स भी काम कर रहे हो उसके बाद भी आप $1120 बचा सकते हो, तो ये सही है कि आप अपनी फीस भरने में और भी आपके कोई खर्चे हैं कुछ भी करना है आपके पास इतना अमाउंट है। और अगर आप अपने एक्सपेंसेस को और कम कर दोगे, मैंने तो फिर भी थोड़ा ज़्यादा बताया होगा, ग्रॉसरी में थोड़ा कम कर सकते हो, सिम कार्ड में थोड़ा कम कर सकते हो, मिसलेनियस में कम कर सकते हो, तो वही आपकी और सेविंग बढ़ती चली जाएगी, जो इन फ्यूचर आपको फीस भरने में, जब कार लेने में, घर लेने में, कुछ भी करना हो उसमें आपकी हेल्प हो जाएगी उस चीज़ से। तो एट द एंड बात यही आ जाती है कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, भाई मैं आपको सामने से बता रहा हूँ कि हाँ आप ऐसा कर सकते हो, तो हाँ आराम से हो सकता है। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैंने सारे एक्सपेंसिव बता दिए, वीडियो को दोबारा जाकर देखो, नीचे लिखा भी आ रहा है, सबके नीचे प्लस करके दिखाया है A to Z। इससे ज़्यादा कोई आपको और एक्सपेंस है, मतलब आपको लग रहा है कि जो आपका ही है, जैसे सिगरेट का हो गया, बियर का हो गया, कुछ भी हो गया, अगड़म झगड़म गाड़ी आते ही ले लेते हो, तो वो आपके ऊपर है। बाकी एक जो एवरेज स्टूडेंट होता है उसके खर्चे यही हैं जो वो खर्च करेगा, प्रेस्टो, रेंट, ग्रॉसरी, मिसलेनियस और आउटिंग, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं खर्च कर सकता, जो एक एवरेज स्टूडेंट है जिसको कोई और शौक नहीं है। बाकी अगर आप लोगों को कोई और भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। कोई और टॉपिक है जो मैं भूल गया हूँ इस वीडियो में बताना कि आप भाई ये एक्सपेंस भूल गए, वो भी कमेंट सेक्शन में लिख देना, या किसी और एक्सपेंस के बारे में पूछना हो, या आपको खुद मुझे कुछ बताना हो, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप लोगों को अगर ज्ञान की बात का ये पहला एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना, और जो लोग आपके पास से, मतलब आसपास से कनाडा आ रहे हैं, उसको उनको बताना है कि भाई इतना खर्चा हो जाता है, इतनी सेविंग्स करके चलिए, ये लड़का जैसे बता रहा है वही काम करना है, तो उनको ये वीडियो भेज दीजिए ताकि वो थोड़ा ही एडवांस में तैयारी कर सकें और पहले से अपना बजट बना के चलें कि हाँ भाई मुझे शेयरिंग में रहना है ऐसे ऐसे ऐसे, और पूरी लिस्ट के साथ तैयार रहें ताकि इन फ्यूचर उन लोगों को दिक्कत ना आए, तो उनको ये वीडियो ज़रूर भेज दीजिए। बाकी मिलते हैं अगली ही कोई ज्ञान की बात के एपिसोड में, तब तक के लिए ध्यान।